हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी मीडियम की मैथ्स का अध्याय 11, उसकी प्रश्नावली 11.2, जिसका पहला प्रश्न है एक मेज के ऊपरी पृष्ठ, यानी कि जो ये मेज है इसकी ऊपर की जो सतह का जो आकार है वो समलंब जैसा है यदि इसकी समानांतर भुजा, यानी कि जो ये भुजा इसके समानांतर है 1 मीटर और 1.2 मीटर है, तो इन समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो हमें 0.8 मीटर दे रखी है, तो इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस ऊपरी सतह का। हमें समानांतर भुजाओं की लंबाई भी दे रखी है और जो इसकी बीच की दूरी है वो भी हमें दे रखी है, ठीक है। तो हमें इस पूरे समलंब का जो हमारा मेज है इसके ऊपर की सतह की हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है समलंब के क्षेत्रफल के, क्योंकि इसका आकार ही समलंब है, ठीक है। अगर हम समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका मतलब हमने मेज के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों बराबर ही हैं, एक ही बात है। इसका जो फॉर्मूला होता है समलंब का क्षेत्रफल निकालने का वो होता है 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। जो समानांतर भुजाएं हैं हमारी इसमें दे रखी है 1 मीटर और 1.2 मीटर जो हमें दे रखी है, इन दोनों को हमने जमा करना है, उसका योग और जो हमें ऊंचाई दे रखी है वो गुणा और 1/2। तो 1/2 की जगह 1/2 समानांतर भुजा 1 जमा 1/2 गुणा इसकी ऊंचाई मीटर स्क्वायर, 1/2 आ गया, दोनों को जमा किया 2.2 0.8 आ गया। यहाँ पे हम इसको काटेंगे 1.2 से कटेगा तो 1.1 आ जाएगा, दोनों को आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ये जो है हमारे मेज के ऊपर की सतह का क्षेत्रफल निकल आया, ठीक है। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समानांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है और दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समलंब का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, उसकी हमें ऊंचाई भी दे रखी है, एक भुजा की हमें लंबाई दे रखी है, जो दूसरी भुजा है उसकी लंबाई निकालनी है। मान लो इसी तरीके का है, एक की लंबाई दे रखी है, एक की हमें निकालनी है, ठीक है। ऐसे ही समलंब होगा, उसका हमें क्षेत्रफल ऊंचाई हमें यहाँ पे और उसका जो पूरा क्षेत्रफल है हमें यहाँ पे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो हम जो हमारा समलंब जो है उसकी एक भुजा की जो लंबाई हमें निकालनी है हम उसको एक्स मान लेंगे। माना कि जो हमें वांछित भुजा है उसकी लंबाई x सेंटीमीटर है, तब समलंब का जो क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 10 जमा 1 क्या है कि जो उसकी दोनों समानांतर भुजाओं हैं जो उनको आपस में जमा करते हैं, ऊंचाई से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 2 एकम 2 और ये 2 दुनी 4 हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 बचा हमारा और 10 जमा x बचा है, तो 2 10 जमा x हम नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि समलंब का क्षेत्रफल हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे भी हमने समलंब का क्षेत्रफल ही निकाला है, ठीक है, और हमें दे भी रखा है क्योंकि हमें लंबाई निकालने के लिए यही वाला जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तभी हमारी जो है लंबाई निकलेगी। तो हमने यही वाला फॉर्मूला लगाया और हमने इसको एक्स माना था, ठीक है, और यहां पर हमें जो है देखो क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर भी दे रखा है, यानी कि ये और ये मान लो ये अभी क्या है हमारे, ये भी समलंब का क्षेत्रफल हमने निकाला और ये हमें दे रखा है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे यहाँ पे बराबर हो गए, जो हमने निकाला और ये जो हमें दे रखा है। तो यहां पर देखो ये इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो ये यहाँ पे किसके साथ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 34/2 काटेंगे तो 17, 2 से काटेंगे, अब हमारे पास बचा 10 जमा x और बराबर 17 बचा, तो x की जगह हमारा यहाँ पे इसके साथ जो है ये जमा हो रहा है, यहाँ पे इसके साथ आके ये घट जाएगा, तो x बराबर 17 - 10 बराबर आया 7, यानी कि जो x आया जो लंबाई आई वो आई हमारी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने लंबाई को ही 7 सेंटीमीटर माना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आगे की वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस करेंगे, सभी वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।